बड़ी खबर आ रही है हैदराबाद से। हैदराबाद से कांग्रेस के विधायक पटना के लिए रवाना हो गए हैं। सूत्रों से खबर मिल रही है कि कांग्रेस विधायकों को तेजस्वी आवास पर नहीं रखा जाएगा। कांग्रेस के 16 विधायक जिनका एक निजी होटल में व्यवस्था की गई है, पहले जो खबरें आ रही थी कि तेजस्वी के आवास पर उन्हें रखा जाएगा, फिलहाल सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन उनके रहने का इंतजाम एक निजी होटल में किया गया है। वो 16 विधायक जो हैदराबाद भेजे गए थे, जिनको वहां पर रखा गया था सुरक्षित, कहा यह जा रहा था कि अब वो जब लौट रहे हैं तो उन्हें एक अलग होटल में रहने की उनके व्यवस्था की गई है। बहरहाल देखिए, बहुत क्रूशियल टाइम है इस वक्त फ्लोर टेस्ट से पहले, लेकिन कई दावे भी किए जा रहे हैं। बिहार में जरा दावों का दंगल आप इस बड़ी स्क्रीन के जरिए समझिए, आपको बहुत कुछ समझ आएगा। सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बिहार के, हमारे पास पर्याप्त बहुमत, फ्लोर टेस्ट में हम सफल होंगे। दूसरी तरफ मृत्युंजय तिवारी आरजेडी के प्रवक्ता हैं, जो कह रहे हैं कि ये सरकार सिर्फ 24 घंटे की मेहमान है, एनडीए बहुमत साबित नहीं कर पाएगा। तो ये अपने अपने दावे कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। विजय सिन्हा डिप्टी सीएम बिहार के, आरजेडी के लोग डरे हुए हैं उनके विधायक खूंटा उखाड़ कर भाग जाएंगे। दूसरी तरफ मनोज झा है आरजेडी के प्रवक्ता, खेल शुरू है लेकिन खत्म हम करेंगे। खेल उन्होंने शुरू किया है, खत्म हम करेंगे। और भी आपको दावे बताऊं, राजीव रंजन जेडीयू के राष्ट्रीय सचिव, एनडीए एकजुट है, कोई टूट का डर नहीं, संख्या बल हमारे साथ है। अखिलेश सिंह कह रहे हैं बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष के नीतीश को इस्तीफा दे देना चाहिए, संख्या बल उनके साथ नहीं है। तो आरजेडी को सुन लीजिए आप, चाहे जेडीयू को सुन लीजिए, सब अपने अपने दावों को लेकर यहां पर कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, पर जमीनी हकीकत क्या है ये तो ग्राउंड पर मौजूद हमारे सहयोगी हमें समझाएंगे। निधि आप बताइए, सबके दावे लेकिन जमीन पर क्या हो रहा है इस वक्त? बिल्कुल शिरीन, देखिए कल फ्लोर टेस्ट है और उससे पहले एकजुटता दिखाने की कवायद जो है वो शुरू है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आरजेडी की तरफ से दावा किया जा रहा है। हमने तमाम बयान दर्शकों को सुनाए कि किस तरीके से जेडीयू हो, आरजेडी हो, हम पार्टी हो या बीजेपी हो, सभी अपने अपने विधायकों को लेकर के अलग ठहरने की व्यवस्था के साथ है, लेकिन दूसरों के भोज में, दूसरों के कार्यक्रम में कितने विधायक पहुंचे इस पर नजरें हैं। मनोज झा का बयान अगर आप सुनेंगे, उन्होंने कहा कि किस तरह से हम उनमें से नहीं हैं कि प्रशिक्षण के नाम पर विधायकों को एक जगह रख देते हैं। सभी यही दावा कर रहे हैं कि हमारे विधायक इंटैक्ट है, एकजुट है, लेकिन फ्लोर टेस्ट से पहले ये जो बयानबाजी चल रही है, ये जो नेताओं के बयानों का जो दौर चल रहा है, इससे स्पष्ट है कि कोई भी इसको लेकर के साफ अगर देखा जाए तो स्पष्ट नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है कि क्या कल फ्लोर टेस्ट में पास हो पाएंगे। देखिए आप आरजेडी के, अगर मैं सिर्फ, चूंकि मैं आरजेडी तेजस्वी के घर के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ की अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं, एक एक करके सभी विधायक यहाँ कौन कितने पहुँचे हैं, कौन नहीं आ पा रहे हैं, ये तस्वीरें आ रही हैं। और यहाँ फीस्ट का आयोजन है, अभी थोड़ी देर पहले दर्जनों केले अंदर पहुँचाए गए हैं, किस तरीके से सब भोज की व्यवस्था की गई। और आप समझिए कि विजय सिन्हा के घर पर, जो कि इस वक्त उप मुख्यमंत्री हैं, उनके घर पर आयोजन है और उसमें भी अटेंडेंस लगाने का दौर जो है वो शुरू होगा। सबकी बढ़ी हुई है, चाहे आप तेजस्वी के आवास के बाहर हो, चाहे आप दूसरे खेमे में जाकर देख लें। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।